आज 26/11 जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम लोग खड़े हैं कामा हॉस्पिटल की ये गली में। ये जो रोड जाता है हमारे ठीक पीछे बैक साइड में, कामा हॉस्पिटल के कामगार रहते हैं। सीएसटी से अजमल कसाब आतंकवादी और उसका जोड़ीदार वहाँ से हमला करते हुए, फायरिंग करते हुए ये पीछे से घुसे थे, और यहीं इस रोड से आते हुए वो लोगों ने यहाँ भी फायरिंग की थी। पहले तो हम श्रद्धांजलि दे दें, यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं कुछ कैंडल्स जले हैं, मोमबत्ती जली है। मुंबई कर कभी ये चीज़ भूल नहीं सकता है। कैमरामैन से चाहूँगा कि जो बीएसटी का पोल है आप देख, ये जो बीएसटी का सॉरी ये जो पेटी है आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए आप, ये फायरिंग यहाँ हुई थी, ये बुलेट्स के निशान है यहाँ पे। और ये वही जगह है जहाँ पे झाड़ियाँ थी, इन झाड़ियों में आतंकवादी अजमल कसाब और उसका जोड़ीदार छुप के बैठ गए, और हमारे पुलिस के ऑफिसर्स और जवान शहीद हेमंत करकरे, शहीद अशोक कामटे, शहीद विजय सालस्कर और पुलिस के शहीद जवान थे, जो कि वहाँ से सीएसटी से उन्होंने जीप लिए इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए। उन्हें नहीं पता था कि वो आतंकवादी यहाँ पे झाड़ियों में छुप के बैठे हुए हैं, और अचानक धोखे से उन आतंकवादियों में उनके ऊपर हमला किए। आइए जानते हैं, मैं कैमरामैन से चाहूँगा ये बिल्डिंग दिखाए। इस बिल्डिंग में जो लोग रहते थे उस वक्त, इन्होंने जीते जागती मिसाल है, इन्होंने उस वक्त देखे थे। कुछ लोग हैं जो यहीं रहते हैं। सर ये बताइए, आप उस वक्त यहाँ पे थे तो आपने क्या देखे अचानक? एक्चुअली 11:40 की बात है, रात को हम जस्ट टीवी देखने बैठे थे जी। तो नीचे 20 सेकंड फायरिंग हुआ था खाली, यहीं पे 20 सेकंड फायरिंग हुआ जी। और तुरंत वो रुक गया और 15 मिनट तक सब शांत हो गया था। उतने में ज़ोर से आवाज़ आई कसाब की, भाग भाग, उसको नीचे डाल। और जगह से उसने फोर्थ गियर पे जैसे गाड़ी उठाते हैं ना, वैसा गाड़ी को फायर किया और धूम करके भाग गया यहाँ से जो, और दो बॉडियों को इधर नीचे डाल दिया जो सामने बैठे थे, ये देखा हमने। सर आपका नाम बताइए, और आप ये बताइए सर, जिस वक्त फायरिंग हुई आप यहाँ पे रहते तो आप उस वक्त कैसा फील कर रहे थे? मेरा नाम प्रसाद अटक है, हम यहाँ जीटी के लो राइज बिल्डिंग पे रहते हैं, और फायरिंग जब हुआ तो पूरा ब्लैकआउट हुआ था। कि जो हम अंदर बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन छोटे हमारे बीवी बच्चे थे वो डर के मारे अंदर ही रह गए थे, और हम सब मिल के, और जीटी के ये हॉस्पिटल है, ये जीटी के हॉस्पिटल हम सब वहाँ पहुँचे, और वहाँ जो जख्मी जो लोग हैं वहाँ उनको थोड़ा मदद कर दिए। और यहाँ कुछ हुआ वो हमको मालूम नहीं, ली ये सांप को मालूम है जी। इनके सामने वो सब हमला हुआ हाँ। आपने देखे तो आप उस वक्त कैसा महसूस कर रहे थे? आपकी फैमिली के साथ मारे हम एक दीवान के पीछे छुप गए थे जब फायरिंग हुआ, और रात को 3 बजे जब थोड़ा सा शांत हुआ तो थोड़ा सा बाहर आके देखा तो कुछ नहीं था, पूरा अंधेरा था। फिर सवेरे जब 7 बजे चिड़िया वगैरह चिल्लाती है तब जाके उठे कि अभी आवाज़ आ रहा है बाहर नीचे, तो देख सकते हैं अभी बाहर। तब हम देख रहे थे कि यहाँ पे कोई है या नहीं है, क्योंकि हमको पता नहीं था यहाँ से कसाब गया है कि नहीं। और बुलेट के जो वो बड़े बड़े स्कार है वो वहाँ तक गिर रहे थे जी। जैसे वहाँ के जो बुलेट का आवाज़ वहाँ आ रहा था, ग्रेनेड मार रहे थे वहाँ के। एक हमारे यहाँ जो गाड़ी वाला था, मतलब जीप का ड्राइवर वहाँ तक वो आ गया, और उन्होंने वहाँ से पकड़ लिया और ऐसा फायरिंग कर लिया, उसके दो हाथ मतलब एक उंगली गई और एक अंगूठा गया वो बेचारे का, और उन्होंने नाटक कर दिया इसलिए वो छोड़ गया। आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज पूरे 10 साल हो गए इस आतंकवादी हमले को, आज 26/11/2019 है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आतंकवादियों को? जो आतंकवादी डर चुके हैं, हम लोग इंडिया, हमारी इंडियन आर्मी वेरी गुड, बहुत बेस्ट है। एनएसजी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और दिखा दिया कि इंडियन आर्मी इज़ बेस्ट आर्मी। सो यही, और ये दिन हम लोग के ब्लैक डे, हम लोग बहुत डरते हैं ये दिन को हम लोग। वाकई में इसमें तो कोई शक नहीं है, इंडियन आर्मी हो, मुंबई पुलिस हो, महाराष्ट्र पुलिस हो,
अगर आतंकवाद अपना आतंकवाद का घिनौना चेहरा दिखाता है तो उनके चेहरे को बेनकाब करने के लिए, उन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुंबई पुलिस हमेशा सतर्क रही है, मुंबई कर हमेशा सतर्क रहा है, सतर्क रहेगा। आतंकवाद एक चीज़ समझ ले कि मुंबई कर ना कभी हारा है, ना कभी थका है, ना कभी थकेगा। अगर हारा है तो सिर्फ आतंकवाद और थका है तो सिर्फ आतंकवाद। कैमरामैन शेख के साथ साजिद कुरैशी, एडिटर सुप्रिया टाइम्स।